सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था इस मशीन के बारे में, बहुत सारी जानकारियां दी थी। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देख लीजिए, इसके बाद ये देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी इसको भी देखेंगे तो आपको बहुत सारी बेनिफिट मिलने वाली है। एक इस मशीन का पूरा टॉपिक मैंने कवर किया, ये दो वीडियो में पूरा लगभग कवर हो जाएगा। तो इस मशीन के बारे में मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी कि कैसे क्या क्या चेक करना है। आज हम इसमें फॉल्ट फाइंडिंग बताएंगे, कैसे इसको फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आप देख सकते हैं दो पोर्ट हमारा ब्लिंक हो रहा है, तो इस मशीन में ये ब्लिंक होने का क्या मतलब होता है, कैसे क्या होता है, मशीन में ऑपरेट कैसे करते हैं, इसके अंदर कितने एम्पियर क्या मतलब होता है, वो सब मैंने पहले वीडियो में कवर कर दिया। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि कैसे उसको यूज करते हैं। इसके बाद ये वीडियो देखेंगे, दोनों वीडियो देख लेंगे तो मशीन का पूरा जानकारी आपको हो जाएगा, इसके बाद से कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, तो मेरे पास एक ये देखिए, ये मैंने अपना ग्लू साफ करने वाला ये अपना मोटर है, इसको मैंने लगाया है 5 नंबर पे और 4 नंबर पिन में लगाया एक फोन 6A का। तो यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे तो आपको ये ले रहा है 1.40 यानी, और दूसरा ले रहा है फोन हमारा 1.10 यानी कि 1.10। तो ये दो फोन, एक फोन ले रहा है और एक ये 1.4 जो ले रहा है वो हमारा ये मोटर ले रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले शुरुआत से मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई फोन यहाँ पे लेके आया डेड कंडीशन में, वो खुल तो सकता नहीं है, तो अगर उस फोन के अंदर कोई भी एम्पियर शो हो रहा है 1, 2, 0.1, 0.2 कुछ भी शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका फोन में आपका कोई भी आईसी से रिलेटेड, मतलब ईएमएमसी और सीपीयू से रिलेटेड तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, सीपीयू ईएमएमसी बिल्कुल ओके है। दूसरा कंडीशन कि अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 वोल्ट दे रहे हैं हम सभी पोर्ट में, तो 5 वोल्ट तो अपना सेट रहेगा, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे 0.1 आ जाता है यानी कि 10 और 0.2 आ जाता है यानी कि 20, तो अगर 1 रहता है या फिर 20 रहता है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके फोन के अंदर आपका जो चार्जिंग का जो वो है वो कहीं से चार्जिंग में प्रॉब्लम है, चार्जिंग हो नहीं रहा है फोन, तो उसकी चार्जिंग जैक वगैरह चेंज कर देंगे। तो या तो चार्जिंग जैक से या फिर चार्जिंग आईसी से प्रॉब्लम है, तो चार्जिंग जैक चेंज करके देख लीजिए, और उससे भी नहीं सही होता है तो चार्जिंग आईसी चेंज कर लीजिए, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तीसरा आता है 0.6 तक जाता है, ये 0 है, ये 0 रहेगा, यहाँ पे 6 लिखा रहेगा, और चार्ज में लगाएंगे तो 6 से आगे नहीं बढ़ेगा। तो थोड़ी देर वेट करके देखिए, अगर बढ़ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो फोन है उसका चार्जिंग पिन 100% खराब है, चार्जिंग पिन चेंज कर देंगे तो ये प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका जो ये मशीन है अगर ये 0.9 यानी कि 0.9 से लेकर के 1.2 या फिर 2 एम्पियर तक जा रहा है तो बहुत बेटर बात है। जैसे कि ये देख सकते हैं दोनों फोन ले रहा है, ये एक में हमारा मोटर और ये, यानी कि ये फोन प्रॉपर चार्ज हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फोन चार्जिंग होगा, आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, थोड़ी देर रुकेंगे तो चार्ज हो जाएगा। और अगर मान लीजिए डिस्प्ले वगैरह फूटा है, कुछ नहीं दिखा रहा है, तो मतलब फोन अंदर से चालू है, बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में वर्किंग है, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर 1. कुछ भी एम्पियर ले रहा है, 0.9 से लेकर ऊपर कितना भी एम्पियर ले रहा है, मतलब ऊपर का मतलब कितना भी का मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा, आपका लगभग 2 एम्पियर से अंडर में रहे, तो ये फोन प्रॉपर वर्किंग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फोन का सेट चालू है, बोर्ड में कहीं कोई शॉर्टिंग नहीं है, सब कुछ ओके है, तो इससे आप ये समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका मान के चलिए कि यहाँ पे आपका जैसे चार्ज में लगाए हैं तो ये फ्लक्चुएट होने लगा, यानी 0.1 0.1 0.0 ऐसे करके अप डाउन ऐसे हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका बैटरी ख़राब है, बैटरी चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। सिंपल सा है, बस यही चीज़ समझना है आपको। अगर ये वीडियो में नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट कर लीजिए, अगर कोई अदर प्रॉब्लम आपको जाननी है तो, अगर कोई अदर समस्या हो रही है तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी इस मशीन को लगभग इसी तरह से यूज करते हैं। बाकी फर्स्ट पार्ट में बाकी चीज़ हमने कवर कर लिए और सेकेंड पार्ट में आपको मैंने फॉल्ट फाइंडिंग बता दिया है। ये आपको इतने तरीके से इस 1000 रुपये के मशीन को आप यूज कर सकते हो और इतने सारे काम में ये आने वाला है। तो आप फर्स्ट पार्ट पहले देख लीजिए और सेकंड भी आप देख ही रहे हो, तो दोनों को देख लो तो आपको इस मशीन की प्रॉपर जानकारी हो जाएगी। और लास्ट में बस आपसे यही कहूँगा कि इस मशीन में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए, आपको हर चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आप SMD मशीन देख रहे हैं, हालांकि ये मैंने बहुत पहले ख़रीदा था, अभी मैं 857DW+ यूज करता हूँ जो कि सबसे बेस्ट SMD मशीन है, आप उसको रखिए, लगभग 6-7 हज़ार के रेंज में आएगा, वो आपको बहुत बेहतरीन है, आप उसको यूज किया करिए। ये अब मैंने खरीद लिया तो इसको तो यूज करना है, ये नॉर्मली चार्जिंग पिन वगैरह चेंज करने में इसका यूज करता हूँ। तो बस इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो हमेशा मिलती रहे।
ताकि आपको ये सब नॉलेज हमेशा मिलती रहे। आगे बहुत सारी मतलब आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली है, क्योंकि मैं अभी इसमें ऑनलाइन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए आप ब्रॉडबैंड का कनेक्शन ले रहे हैं तो उसकी सारी सेटअप वगैरह कैसे करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, सेटिंग, बहुत सारी चीज़ें हमारे चैनल पर आपको मिलने वाली है। बस आप सब्सक्राइब करके रखिए, आपको इतनी नॉलेज मिलेगी कि आपको कहीं किसी प्रॉब्लम में फंसने के बाद आपको किसी दुकान में नहीं जाना पड़ेगा ब्रॉडबैंड वाले के पास कि भैया हमारा नेट नहीं चल रहा है, तो ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आप हर चीज़ यहीं बैठे बैठे सीखोगे और अपना खुद से कर पाओगे। तो बस चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।